बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रईस को उसके दोस्त ने एक महफिल में दावत दी रईस जब महफिल में पहुंचा तो उधर एक नाचने वाली लड़की आई हुई थी वो रक्स कर रही थी, और लोग उस पर पैसों की बारिश कर रहे थे रईस को वो लड़की पहली ही नजर में पसंद आ गई रईस ने अपने एक आदमी से इस बात का पता करवाया कि वो लड़की कहा रहती है आदमी ने रईस को बताया कि वो एक कोठी में रहती है कोठे की मालकिन के पास नाचने वाली दस लड़कियां रहती थीं और मालकिन उनको महफिलों में भेज पैसा कमाती थी रईस कोठे की मालकिन के पास गया और कहने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ ये लड़की महफिलों की जीनत बनने के लिए नहीं है मैं इसको अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ कोठे की मालकिन एक लालची औरत थी उसने रईस से कहा कि ये लड़की जो तुमको पसंद आई है ये तो मुझे सबसे ज्यादा कमा कर देती है अगर मैं इसको तुम्हारे साथ रवाना कर दूं, तो मेरा क्या होगा मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी रईस ने मालकिन का लालच देखते हुए पचास एकड़ जमीन उसके नाम कर दी उसके बाद मालकिन ने लड़की रईस के हवाले की फिर रईस ने दूसरे दिन ही लड़की से निकाह कर लिया रईस की पहली बीवी को जब इस बात का पता चला कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है तो वो उसको छोड़कर मेके चली गई शादी के बाद रईस ने उस लड़की को बहुत खुश रखा और उसे हर किस्म की आसाइश मुहैया की कुछ अर्सा गुजरने के बाद लड़की को एक अजीब सी बीमारी लग गई और वो दिन ब दिन कमजोर होती गई उसके जिस्म में खून की कमी होने लगी और चेहरे की रंगत पीली पड़ गई रईस ने बहुत सारे हकीमों से इसका इलाज करवाया मगर वो ठीक ना हुई उसकी हालत हर दिन के गुजरने के साथ खराब होती गई रईस इस बात पर हैरान था कि आखिर इस लड़की को ऐसा क्या हुआ है आखिरकार नौबत यहाँ तक आ गई कि लड़की कमजोरी की वजह से चल फिर नहीं सकती थी रईस को उसके एक गुलाम ने मशवरा दिया कि फला इलाके में एक बहुत ही काबिल हकीम रहता है वो आपकी बीवी का इलाज जरूर करेगा रईस ने उसी वक़्त सवारी के साथ अपने मुलाजिम भेजे जो उस हकीम को रईस के घर ले आए हकीम ने लड़की को गौर से देखा और फिर रईस से पूछने लगा कि इसका इलाज करने के लिए जरूरी है कि मुझे इस लड़की के माजी का इलम हो आप मुझे इसके माजी के बारे में मालूम दें रईस ने हकीम को सब कुछ बता दिया फिर हकीम ने अपना दाया हाथ लड़की की नब्ज़ पर रखा और दूसरे हाथ से लड़की के सामने एक थैले में से एक कीमती मोतियों से जुड़ा हुआ हार निकाला लेकिन उसकी तबीयत में किसी किस्म की बेहतरी न आई उसके बाद हकीम ने थैले में से कुछ घुन्गरू निकाले घुगरू की आवाज़ सुनकर लड़की की तबीयत में काफी बेहतरी आई ये देखकर हकीम ने रईस को एक मशवरा दिया कि इस लड़की को वापस उसी कोठे वाली औरत के हवाले कर दो ये ठीक हो जाएगी रईस हकीम की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार न था मगर उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए वो हकीम के मशवरे पर राजी हो गया फिर रईस कोठे की मालकिन के पास गया और लड़की को उसके हवाले करते हुए कहने लगा कि ये एक महीने तक तुम्हारे पास रहेगी एक महीने के बाद मैं इसे वापस ले जाऊंगा एक महीने के बाद जब रईस वापस आया तो ये देख कर हैरान रह गया कि लड़की न सिर्फ अपने पैरों पर चल रही थी बल्कि उसके चेहरे की रौनक भी वापस आ चुकी थी रईस बहुत हैरान हुआ और दिल में सोचने लगा ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक औरत को मैं गंदगी से साफ जगह पर ले गया मगर वो तो गंदगी में रहना पसंद करती है रईस ने उसी वक्त उसे तलाक दी और घर वापस चला गया फिर जब उस हकीम से रईस की मुलाकात हुई तो हकीम ने कहा कि जिस बिकारी को दर दर मांगने की आदत पड़ जाए वो एक जगह पर कैसे रह सकता है वो औरत उस माहौल की आदी हो चुकी थी इसलिए वो आपकी हवेली में नहीं रह सकती थी ये हकीकत है कि किसी किसी को इज्जत रास नहीं आती अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मजीद लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज